उधर ईरान की तरफ से जारी की गई कुछ तस्वीरें अमेरिका की नई टेंशन का कारण बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी ये तस्वीरें ईरान के नए ड्रोन शाहिद 191 की हैं, जो ईरान का सबसे ताकतवर ड्रोन है। लेकिन ईरान का यह ड्रोन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि इसे अमेरिका के ड्रोन RQ-170 की नकल बताया जा रहा है। ईरान ने 2013 में अमेरिका का यह ड्रोन एक ऑपरेशन के दौरान सीज कर लिया था। माना जा रहा है कि सीज किए गए अमेरिका के ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, मतलब उसे खोलकर उसके पुर्जे, उसका डिजाइन और उसकी तकनीक को देखा गया, फिर हूबहू उसके जैसा दिखने वाला एक नया ड्रोन तैयार करने में ईरान को कामयाबी मिल गई, जिसे शाहिद 191 का नाम दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि RQ-170 और शाहिद 191 में कौन बेहतर या ज्यादा ताकतवर है, ये अमेरिका खुद भी नहीं बता सकता। इसलिए अमेरिका परेशान है। सेना के इस्तेमाल वाले खतरनाक ड्रोन बनाने में कुछ साल पहले तक अमेरिका खुद को वर्ल्ड लीडर मानता था, लेकिन ईरान ने शाहिद और फतेह सीरीज के ड्रोन बनाकर उसका यह गुमान तोड़ दिया, फिर RQ-170 की नकल तैयार करके अमेरिका का आत्मविश्वास भी तोड़ने का काम कर दिया। ऊपर से जो तस्वीरें शाहिद 191 की जारी की गई, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। इन तस्वीरों में एक खुली गाड़ी पर ड्रोन रखा हुआ दिखाया गया, मतलब ये कि इस ड्रोन के लिए कोई अलग लॉन्चर लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी गाड़ी की छत पर इसका मोबाइल लॉन्चर लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब ये कि इस ड्रोन को किसी भी ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से इसकी जो खासियत बताई जा रही है वो भी हैरान करने वाली है। ये ड्रोन बम से लेकर मिसाइल तक ले जाने में बेजोड़ बताया जा रहा है। मतलब ये कि जो खासियत इस ड्रोन की बताई जा रही है वो सही है, ये तो ये किसी भी जंग को रुख बदल सकता है। शाहिद सीरीज के बाकी ड्रोन पहले से यूक्रेन की जंग में अपना दम दिखा चुके हैं, और अब अगर ये ड्रोन भी रूस की फौज के हाथ में पहुंच गया तो यूक्रेन को बड़ा झटका लगेगा। दावा यह है कि ये ड्रोन 1,500 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। जमीन से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ 2 मिसाइल और 100 किलो वजन तक के बम ले जा सकता है। लगातार 4.5 घंटे तक ये ड्रोन हवा में रह सकता है, इसीलिए इस ड्रोन की खबर ने अमेरिका में भी हड़कंप मचा दिया और यूक्रेन में भी हंगामा मचा दिया। इधर TMC ने अपनी युवा इकाई के 2 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इन दोनों नेताओं पर परीक्षा भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है, और कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी नाम के इन दोनों नेताओं को परीक्षा भर्ती घोटाला मामले में ईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब TMC ने भी अपनी युवा इकाई के इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर खबर है कि चीन से तनाव और यूक्रेन में जारी जंग के बीच न अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 को बदलने की तैयारी तेज हो गई। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले उनके नए विमान के बाहरी डिजाइन पर सहमति बन गई, और अगले 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नए विमान में उड़ान भरेंगे। अभी वो जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं उस एयरफोर्स 1 को उड़ता किला कहा जाता है, क्योंकि इस विमान पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि एयरफोर्स 1 पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा, लेकिन पहले से ही बेहद ताकतवर एयरफोर्स 1 में अब और खास बदलाव किए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक विमान के बाहरी डिजाइन पर सहमति बन गई है, और राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे पहले की तरह नीले और सफेद रंग में ही रखने का फैसला किया है।